गूगल एड्स कोर्स के इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि स्किपेबल, नॉन स्किपेबल और इन फीड वीडियो एड्स क्या होते हैं। दोस्तों, जब हम YouTube पे एड्स चलाते हैं और मल्टीपल तरीके के ऑप्शंस आते हैं, अगर आपको उन ऑप्शंस के बारे में अच्छे से जानकारी नहीं होगी कि उनका क्या यूज है, कब चलाना है और किस बिजनेस पर्पस के लिए वो बेस्ट हैं, उनमें क्या डिफरेंस है, तो आप कैसे चूज करोगे कि आपको अपने किस कैंपेन के लिए कौन सा एड टाइप यूज करना है, कौन से तरीके के आपके एड बेनिफिट देंगे आपको उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। इसलिए ये वीडियो पूरा इंफॉर्मेटिव है, बहुत काम आएगा जब आप YouTube पे एड्स बनाओगे, जो कि हम आपको एड्स बनाना भी फुल प्रैक्टिकल सिखाएंगे इस कोर्स के अंदर। और ये गूगल एड्स कोर्स पूरा अच्छे से सीखिएगा और इसके साथ साथ आप हमारे चैनल से 50 से ज्यादा डिजिटल टेक्निकल कोर्सेज में से कुछ भी सीख सकते हो, जो भी आपको सीखना है फ्री ऑफ कॉस्ट। आने वाले कुछ टाइम के अंदर हम और बहुत सारे अमेजिंग कोर्सेज ला रहे हैं, तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपसे कुछ मिस ना हो। चलते हैं और सीखते हैं। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज ट्रेनिंग कंसल्टेंसी के लिए दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। तो हेलो एवरीवन, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्किपेबल वर्सेस नॉन स्किपेबल वर्सेस इन फीड वीडियो एड्स। गाइस, स्किपेबल, नॉन स्किपेबल और इन फीड वीडियो एड्स में क्या डिफरेंस है, कहाँ दिखते हैं, क्या इसमें बिडिंग यूज होती है, इन सभी चीजों के बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में, राइट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्किपेबल इन स्ट्रीम एड की, यानी कि स्किपेबल। अब स्किपेबल इन स्ट्रीम एड में बिडिंग कौन सी यूज होती है और इसमें क्या होता है। बेसिकली स्किपेबल इन स्ट्रीम एड वो होते हैं जिसमें व्यूअर के पास ऑप्शन होता है एड को स्किप करने का आफ्टर 5 सेकेंड्स। तो ये हमारी स्किपेबल इन स्ट्रीम एड होती है, राइट। अब इसमें जो बिडिंग यूज होती है वो यूज होती है, आपके पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, CPV भी ऑप्शन अवेलेबल है, CPM भी है, यानी कि आप कॉस्ट पर व्यू पर भी अपने स्किपेबल इन स्ट्रीम एड चला सकते हो, यानी कि जिसको लोग स्किप कर सकते हैं 5 सेकेंड्स के बाद, और आप CPM पे भी चला सकते हो स्किपेबल इन स्ट्रीम एड। अब हम बात करते हैं नॉन स्किपेबल इन स्ट्रीम एड की, जिसका लिमिटेशन है 15 सेकेंड्स का टाइम बाउंडेशन है, राइट। अब उसमें कौन सी बिडिंग यूज होती है, उसमें जो आपकी बिडिंग होती है, जो नॉन स्किपेबल हमारा एड है उसमें जो बिडिंग यूज होती है वो यूज होती है आपकी CPM, ओनली CPM होगी, राइट। तो आप इंप्रेशन बेसिस पे आप अपना नॉन स्किपेबल कैंपेन चलाओगे, राइट। अब हम बात करते हैं इन फीड वीडियो एड्स की। सो इन फीड वीडियो एड्स कहाँ कहाँ अपीयर होती है। पहली चीज, इन फीड एड जो वीडियो एड्स होती है वो बेसिकली आपकी सर्च रिजल्ट में अपीयर होती है, अलोंगसाइड रिलेटेड वीडियोस में अपीयर होती हैं, और फोन एप्लीकेशन में जो आप यूट्यूब एप्लीकेशन यूज करते हो, यानी कि फोन में जो आप अपना यूट्यूब एप्लीकेशन यूज करते हो उसके होम फीड में आपकी जो है एड अपीयर होती है। और इन फीड वीडियो एड्स के केस में कौन सी बिडिंग यूज होगी, CPM, राइट। तो हम लोग सबसे पहले हम यहाँ पर एक कैंपेन क्रिएट करते हैं, कस्टम वीडियो कैंपेन, और यहाँ पर आप स्किपेबल इन स्ट्रीम एड बना सकते हो और कौन सा एड बना सकते हो, इन फीड वीडियो एड्स। तो पहले हम इन दोनों को डिस्कस करते हैं, स्किपेबल और इन फीड वीडियो एड्स, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली हमने कंटिन्यू किया, आपको ऑलरेडी सारे चेंजेस पता है कि क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, ऑलरेडी हम वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, राइट। तो अगर हम CPM के साथ जाते हैं तो हम यहाँ पर अगर लास्ट लेवल पे एक वीडियो पेस्ट करते हैं लिंक, अगर ठीक है कोई भी हमारे पास एक वीडियो लिंक है तो अगर हमने ये पेस्ट किया तो हम इसको किसमें यूज कर सकते हैं, स्किपेबल इन स्ट्रीम एड में और बम्पर में। बट बम्पर के लिए क्या होना चाहिए, 6 सेकेंड्स होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर बम्पर एड में इसको यूज नहीं कर सकते, अभी हम इन फीड वीडियो एड्स को नहीं चेक कर सकते। व्हाई, बिकॉज अगर आपको इन फीड वीडियो एड्स चलाना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको कॉस्ट पर व्यू करना पड़ेगा। अब जैसे ही व्यू किया, अब यहाँ पर आपको जो है इन फीड वीडियो एड्स का ऑप्शन दिख जाएगा, अब आप उसको चेक कर सकते हो। तो ये मेजर डिफरेंसेस हैं एक स्किपेबल एक इन फीड वीडियो एड्स कैंपेन्स के अंदर, राइट। तो अब आप इसको इन फीड वीडियो एड्स में भी चला सकते हो। अब ये कब हुआ, जब जैसे ही आपने क्या किया, बिडिंग जो है यहाँ पर बिडिंग स्ट्रेटेजी क्या सेलेक्ट करी, कॉस्ट पर व्यू। तो जैसे ही आपने व्यू सेलेक्ट किया तो आप एक इन फीड वीडियो एड्स बना पाए, राइट। अब हम बात करते हैं नॉन स्केपेबल। अब नॉन स्केपेबल का तो बहुत कॉमन सी चीज है कि नॉन स्केपेबल में जो हमारा जो बिडिंग यूज होता है वो CPM ही यूज होता है, और आपकी जो टाइम बाउंडेशन है वीडियो की
वो क्या है 15 सेकेंड्स की और उससे शॉर्ट है और 11 सेकेंड से ऊपर होनी चाहिए, राइट। तो यहाँ पर आपको जो टारगेट सीपीएम ही मिलेगा, आप यहाँ पर चेंज नहीं कर सकते, सी आप यहाँ पर चेंज नहीं कर सकते बिल्कुल, आपकी बिडिंग स्ट्रेटेजी स्टिक रहेगी, यही रहेगी। और जो हमारा नॉन स्किपेबल ऐड होता है उसमें बिडिंग स्ट्रेटेजी सीपीएम ही होती है, राइट। अब ये सारी सेटिंग्स तो आपको ऑलरेडी पता है, यहाँ पर आप स्क्रॉल डाउन करो, आप लास्ट लेवल पे जाके जो भी हमारा वीडियो है उसको यहाँ पर आपको 15 सेकेंड्स का वो क्या करना है, वीडियो आपको यहाँ पर डालना है। मेक श्योर कि वो 15 सेकेंड्स का हो, अगर 15 सेकेंड्स का नहीं होगा तो आप उसको नहीं चला पाओगे, राइट। सो यहाँ पर आपको एटलीस्ट 7 to जो है 15 सेकेंड्स का डालना है, 15 सेकेंड्स का तो एटलीस्ट होना चाहिए, ठीक है, ताकि वो नॉन स्किपेबल में प्रॉपर परफॉर्म कर सके, राइट। तो यहाँ पर जो हमने वीडियो डाली है वो 1 मिनट 52 सेकेंड्स की है, बट आपको 15 सेकेंड्स की वीडियो डालनी है, उसको नॉन स्किपेबल में यूज करना है, ओके। सो गाइस ये सारे डिफरेंसेस थे एक नॉन स्किपेबल कैंपेन के अंदर, स्किपेबल कैंपेन के अंदर और इन फीड वीडियो एड्स के अंदर, राइट। सो गाइस इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, हम आने वाली वीडियोस में और भी ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आते रहेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बेहद पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, अपनी क्वेरीज भी आप हमें लिख सकते हैं, उसके ऊपर भी हम वीडियोस और कोर्सेज लेकर आएंगे। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग लेना चाहते हैं या डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज लेना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट marketingfundas.com पर आ सकते हैं या हमारे दिए हुए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में कुछ यूजफुल प्रोडक्ट सर्विसेज के लिंक दिए हुए हैं, आप चाहें तो उनका यूज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मार्केटिंग फंडास।